हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। टॉप 500 प्लस मध्य प्रदेश करेंट अफेयर्स में पार्ट 12 हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज अगर आप चाहते हैं 50 एफएलटी की तो ये ले सकते हैं, एमपीएसआई 30 एफएलटी, एमपी कांस्टेबल 30 एफएलटी, मध्य प्रदेश जीके भी अवेलेबल है। ये चैप्टर वाइज पूरा रहेगा। मध्य प्रदेश का करंट अफेयर भी आपका पूरा अवेलेबल है। 2018 का 5 टेस्ट जो है ये कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी जो सारे टेस्ट हैं वो भी चल रहे हैं, शेड्यूल के हिसाब से टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा हमारी ई बुक्स और प्रिंटेड हार्ड कॉपी भी आप परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये और जो टेस्ट सीरीज हैं व्यापम की, ये भी अवेलेबल हैं, ये भी आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में प्रदेश की ब्रांडिंग के लिए किस अभिनेता को स्टेट आइकन बनाने का निर्णय लिया है। देखिए, ये एक्चुअल में करंट अफेयर अभी पूरा नहीं है। एक्चुअली कमलनाथ सरकार, कमलनाथ के साथ अभी हाल ही में जो गोविंदा हैं, एक्टर गोविंदा, इनके साथ 3-4 मुलाकातें ऐसे हुई थी, तो कुछ सूत्रों के हिसाब से ये जानकारी आई थी कि इनको स्टेट आइकन या ब्रांड एम्बेसडर आप समझ सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो स्टेट आइकन बनाने का जो निर्णय है ये गोविंदा को लिया जाना था। तो ये ऐसा सुनने में आ रहा था कि सेप्टेम्बर में अक्टूबर में मैग्निफिसेंट एमपी जो होना है उसके पहले इसकी घोषणा हो सकती है, लेकिन अभी आधिकारिक घोषणा इसकी अभी तक नहीं हुई है। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि किसको बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये गोविंदा रहेंगे, और जिस प्रकार से अमिताभ बच्चन को गुजरात का एक तरीके से स्टेट आइकन बनाया गया था, उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार इनको बनाना चाहती है। गाइस, हमारा मध्य प्रदेश का करंट आउटलुक है जुलाई से लेकर नवंबर तक, आप परचेज कर सकते हैं। अभी इसका कॉस्ट सिर्फ 49 रुपीज़ है, इसके बाद इसका जो कॉस्ट है ओरिजिनल कॉस्ट है 69 रुपीज़ वो हो जाएगा। अभी 7 दिन और अभी बचे हैं, 7 दिन में आप अगर इसको परचेज करना चाहते हैं तो कर लें, उसके बाद इसका कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न, अभी हाल ही में कब राज्य सरकार ने जबलपुर में शहीद राजा शंकर शाह और कौन रघुनाथ शाह बलिदान दिवस मनाया? तो ये जो बलिदान दिवस है ये मनाया गया था 18 सितंबर को, और ये कहाँ पर मनाया गया था? जबलपुर में मनाया गया था, क्योंकि जो राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह, ये दोनों जो थे, ये रघुनाथ शाह इनके शंकर शाह के पुत्र थे। इन दोनों लोगों को ये एक्चुअल में जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उस स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ ये बगावत कर रहे थे, ठीक है। गोंडवाना के राजा थे राजा शंकर शाह, ठीक है। तो इन दोनों लोगों को उन्होंने फांसी दे दी थी, ठीक है। इनको एक्चुअल में जबलपुर का जो रेलवे स्टेशन था वहाँ पर कैद करके रखा था, वहाँ पे एक अस्थायी जेल बनाई थी, उसमें कैद करके रखा था, और बाद में फिर इनको फांसी दे दी गई थी। तो यहाँ पर 18 सितंबर को ये फांसी दी गई थी, इसलिए इनका बलिदान दिवस मनाया गया। और आपको पता होना चाहिए आदिम जाति कल्याण मंत्री कौन है। आदिम जाति कल्याण मंत्री हैं मध्य प्रदेश के ओमकार सिंह मरकाम, ओमकार सिंह मरकाम, ठीक है। अब ये ओमकार सिंह मरकाम जो हैं, इन्होंने अमर शहीद राजा शंकर शाह और इनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह, इनका जो बंदी गृह है और जो परिसर है वहाँ का, उसको प्रेरणा केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है, ठीक है। ये विकसित करने की इन्होंने घोषणा भी कर दी है, और इसमें टोटल जो खर्चा आना है वो कितना आना है? 5 करोड़। तो 5 करोड़ की लागत से इसको प्रेरणा केंद्र बनाया जाना है, ठीक है। तो इतनी डिटेल जो है आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भोपाल एक्सप्रेस के बाद कौन सी ट्रेन को उत्कृष्ट ट्रेन बनाए जाने का निर्णय लिया गया है? तो ये अगली जो ट्रेन है भोपाल एक्सप्रेस, एक्चुअल में उत्कृष्ट ट्रेन बनाई गई है, और इसके बाद जो रिवांचल एक्सप्रेस है इसको भी उत्कृष्ट बनाया जाना है, ठीक है। हालांकि ज़्यादा उसमें बदलाव नहीं होना है, इसका जो कलर जो केवल है वो अभी रहता है स्काई ब्लू, ठीक है। अब ये जो कलर है स्काई ब्लू के बाद, स्काई ब्लू के बाद ये जो कलर है ये लाइट येलो हो जाएगा इसका, बाकी और कोई खास चेंजेस इसमें नहीं आने हैं, ठीक है। तो हालांकि ऐसा कहा जा रहा था कि 30 सितंबर के पहले जो है वो आपकी भोपाल एक्सप्रेस है उसको बनाया जाएगा, यानी कि उत्कृष्ट ट्रेन बनाया जाना है। हालांकि उसके बाद इसकी कोई ऐसी कोई खास न्यूज़ नहीं आई थी, ठीक है। तो रेवांचल एक्सप्रेस इसका सही आंसर हो जाएगा। गाइस, हमारा ये 10 मॉक टेस्ट जो है आपके, आप परचेज कर सकते हैं, FLT है, 100 क्वेश्चंस जो है इसमें, ठीक है। और इसका जो PDF रहता है गाइस, वो PDF इसका जब आप सबमिट करोगे इस टेस्ट को, सबमिट करने के बाद जो पहला क्वेश्चन होता है उसका जब आंसर देखोगे आप सबमिट करने के बाद, तो उसमें ही मैं PDF का लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर लें। प्रश्न है हमारा, हाल ही में कहाँ पंडित कुंजीलाल दुबे संसदीय विद्यापीठ भवन बनाने का निर्णय लिया जा रहा है? तो ये देखिए,
ये जो आपका कुंजी लाल दुबे, चलिए कमेंट करके बताइए कि कुंजी लाल दुबे मध्य प्रदेश के प्रथम क्या थे, किस पद पर थे, ठीक है। तो ये जो है आपका विधानसभा भवन का जो परिसर है वहां पर इनकी संसदीय विद्यापीठ भवन बनाने का जो निर्णय है वो लिया जा रहा है। और ये जो पूरी जानकारी दी थी विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष कौन है, विधानसभा अध्यक्ष हैं एनपी प्रजापति जी। चलिए कमेंट करके बताएं एनपी प्रजापति जी कहां से एमएलए बने थे, ठीक है, किस विधानसभा सीट से एमएलए बने थे, कमेंट करके जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में देश के प्रख्यात कवि श्री माणिक वर्मा का निधन हो गया है, उनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से। देखिए एक्चुअल में मूलतः ये हरदा जिले के रहने वाले थे लेकिन ये बाद में आके इंदौर में बस गए थे, तो दोनों यहाँ पर आपका सही रहेगा, या तो आपके पास हरदा ऑप्शन होगा या फिर इंदौर ऑप्शन होगा। इस तरीके के प्रश्नों में मैं दोनों चीज़ें बता देता हूँ ताकि अगर एग्जाम में जो भी आपके सामने ऑप्शन होगा, ऑप्शन ही जनरली इसी प्रकार का जो प्रश्न है वो यहाँ पर बनता है। यहाँ पर ये पूछेंगे श्री माणिक वर्मा का भी हाल ही में निधन हो गया, वो इनमें से क्या थे, एक आ जाएगा आपका कवि, एक आ जाएगा आपका साहित्यकार, एक आ जाएगा आपका पर्यावरणविद, एक आ जाएगा आपका नेता, इस प्रकार के ऑप्शन होंगे, तो आपको कवि ऑप्शन यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ये विश्वविख्यात भारतीय कवि थे, ठीक है, और हरदा के निवासी थे, इंदौर में आके बस गए थे, और इनकी कविताएं और व्यंग, ये मतलब व्यंगकार थे और कविताएं भी लिखते थे, कई साहित्यिक मंच हैं जिन पे इन्होंने अपना परफॉर्मेंस भी दिया हुआ था। अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला गौ चिकित्सालय खुलेगा। तो गायों के लिए बहुत कुछ कर रही है कमलनाथ सरकार, तो ये पहला जो गौ चिकित्सालय है ये आध्यात्म गौ मंदिर के नाम से खोला जाएगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, ठीक है, किस नाम से खोला जाएगा ये महत्वपूर्ण है, ये खोला जाएगा अध्यात्म गौ मंदिर के नाम से, ठीक है। और ये एक्चुअल में 17 सितंबर को, कब, 17 सितंबर को इसके मॉडल इसका एक बनाया गया था, उस मॉडल का जो अनावरण है वो किया गया था, जो एम्स है हमारा कहाँ का, ऋषिकेश का, एम्स ऋषिकेश के निदेशक जो हैं प्रोफेसर रविकांत, ठीक है, प्रोफेसर रविकांत, उन्होंने इसका अनावरण किया था। अच्छा, ये प्रदेश का पहला गौ चिकित्सालय होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पहला गौ चिकित्सालय होगा। और एक और चीज़ यहाँ पे आप जान लो, 5 करोड़ की लागत से ये पूरा बनाया जाना है। इसके साथ साथ जो खंडवा का पंधाना क्षेत्र है, ठीक है, पंधाना क्षेत्र की एक जगह है सिरसौद, ठीक है, वहाँ पर ये बनाया जाना है, और इसके लिए 14 एकड़ की जो भूमि है उसको, मतलब 14 एकड़ की जो भूमि है उसमें इसको बनाया जाएगा, ठीक है। तो इतने फैक्ट्स जो है वो आपको याद रखने होंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के शिखर सम्मानों में उर्दू साहित्य के लिए वर्ष 2017 का शिखर सम्मान किसे दिया जाएगा। देखिए सबसे पहले तो हम शिखर सम्मान के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको, मध्य प्रदेश शासन का जो संस्कृति विभाग है वो ये शिखर सम्मानों को देता है, और इसमें 9 विधाओं के लिए ये शिखर सम्मान दिया जाता है, ठीक है, 9 विधाओं के लिए शिखर सम्मान दिया जाता है, जिसमें से आपका जैसे हिंदी साहित्य आ जाता है, आपका उर्दू साहित्य आ जाता है, संस्कृत साहित्य साहित्य आ जाता है, इसके अलावा आपका शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत, रूपंकर कलाएं, नाटक, आदिवासी एवं लोक कलाएं, और दुर्लभ वाद्य वादन के क्षेत्र में 9 विधाएं हैं जिनमें ये अवार्ड को दिया जाता है, ठीक है। और अभी हाल ही में संस्कृति विभाग ने जो शिखर सम्मान की घोषणा करी है, तो इन्होंने 2016 से लेके 2018 तक के अवार्ड्स के लिए घोषणा करी है, ठीक है, क्योंकि ये अवार्ड्स जो हैं वो इधर नहीं दिए गए थे 2016 से लेके 2018 तक, मतलब हर एक विधा में तीन तीन लोगों को, 2016, 2017 और 2018 के लोगों को ये दिया जाएगा। इसका जो PDF है वो मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया था, आप डाउनलोड करना चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एक और चीज़ आप जान लो इसमें स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें जो चयनित कलाकार होते हैं या साहित्यकार होते हैं उनको 1 लाख रुपये की राशि जो है वो दी जाती है, इसके साथ सम्मान पट्टिका और जो शॉल श्रीफल जो दिया जाता है वो तो दिया ही जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं उर्दू साहित्य जो है, उर्दू साहित्य के लिए शिखर सम्मान जो है वो किसको दिया गया है, तो उर्दू साहित्य का जो शिखर सम्मान दिया गया है वो दिया गया है डॉक्टर राहत इंदौरी को वर्ष 2017 का। अगला प्रश्न है, आदिवासियों की संस्कृति के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार की योजना के लिए इस वर्ष कितने लाख रुपए का प्रावधान किया गया है,
ठीक है। देखिए प्रदेश के जो आदिवासी संस्कृति के जो लोग हैं, उनकी जो उनके ग्राम में जो देवी देवता होते हैं, उनके जो स्थान होते हैं, ठीक है, मड़िया होती है, देवठान होते हैं, उनके निर्माण के लिए और उनके जीर्णोद्धार के लिए यह योजना बनाई गई है। अगर वो बने हुए हैं तो उनके संरक्षण के लिए ये योजना बनाई गई है। और इस योजना में शुरुआत में 10 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। हालांकि अगर आप किसी किसी बुक में देखोगे तो 40 करोड़ रुपए आपको दिखाई देगा, कहीं कहीं 40 करोड़ रुपए का भी जिक्र है। तो दोनों चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, पुणेकर का जो करंट अफेयर आता है उसमें ये 40 करोड़ दिया हुआ है, ठीक है। मैंने जहां से लिया था वहां पर इसमें 10 करोड़ 60 लाख रुपए उतने टाइम तक था। हो सकता है आगे इसमें और बजट का प्रावधान जो है वो किया गया हो, ठीक है। तो आप दोनों चीजें याद रख लो, जो भी आपको ऑप्शन मिले वो ऑप्शन आपको यहां पर लगाना होगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश में 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक कौन सा सप्ताह मनाया जाएगा। तो देखिए 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक जो सप्ताह है वो मनाया जाना है वन्य प्राणी सप्ताह है, ठीक है, वन्य प्राणी सप्ताह है। गाइस एक और चीज मैं आपसे कहूंगा, इस सीरीज पे थोड़ा सा रिस्पॉन्स अब कम आ रहा है, तो शायद ऐसा हो कि आप लोगों को सही नहीं लग रही हो, तो फिर क्या इस सीरीज को मुझे बंद कर देना चाहिए, तो कमेंट करके जरूर बताइए। हो सकता है आप लोगों को करंट अफेयर पीडीएफ से पढ़ लिया हो या कहीं और से आपको ज़्यादा बेटर मिल रहा हो, तो मैं फिर काय को इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत करूँ, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है आप आज नहीं देख रहे हो, कल देखोगे, तो वो सारी चीज़ आप मुझे अगर बता दो तो उस हिसाब से फिर मैं सीरीज को आगे लेके जाऊँगा, अदरवाइज फिर मैं सीरीज को बंद कर दूंगा। तो कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।